महादेव जी कह रहे हैं, उन लोगों से दूर रहें जो आपको नीचा दिखाते हैं, उन झगड़ों से दूर रहें जो कभी हल नहीं होंगे, उन लोगों को खुश करने की कोशिश से दूर रहें जो कभी आपकी कीमत नहीं देखेंगे। जितना अधिक आप उन चीजों से दूर रहेंगे जो आपकी आत्मा में जहर घोलती हैं, आप उतने ही स्वस्थ रहेंगे। उन लोगों से बचें जो आपके दिमाग से खिलवाड़ करते हैं, जो लोग आपको परेशान करने वाली बातें कहते हैं। वे लोग जो चाहते हैं कि आप उन्हें प्राथमिकता दें, लेकिन वे आपके लिए ऐसा नहीं करेंगे। जो लोग माफी नहीं मांगते, आपको इस तरह के लोगों की जरूरत नहीं है, उनसे बचें। महादेव जी कहते हैं, सदैव आनंद मनाओ, निरंतर पूजा करो, धन्यवाद दो सभी परिस्थितियाँ। यदि आप महादेव जी से प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को न छोड़ें। महादेव जी आज आपसे कह रहे हैं कि मैंने आपको देखा है, मैंने वो सब कुछ देखा है जिससे आप गुजरे हैं, मैंने तुम्हें गिरते हुए देखा है, मैंने तुम्हें चोट लगते देखा है, मैंने तुम्हें वापस उठने के लिए संघर्ष करते देखा है, मैंने तुम्हें सीखते हुए देखा है, मैंने तुम्हें बढ़ते हुए देखा है, और मैंने देखा है कि आपने अपना सर्वश्रेष्ठ संस्करण बनने के लिए कितनी मेहनत की है, और आज मैंने तुम्हारा दिल देखा और वह खूबसूरत है, ये शुद्ध है और यह प्यार पाने के लिए तैयार है, उसी तरह जैसे मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो तैयार हो जाए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो सब कुछ होगा जिसके लिए आप पूजा कर रहे हैं। अगर आपको विश्वास है तो इस वीडियो को लाइक करें। इस सोमवार याद रखने योग्य 5 बातें। 1. महादेव जी पर भरोसा रखें। भगवान आपको इस सीजन से बाहर निकालेंगे। जो टूट गया है उसे वह ठीक कर देगा, उसमें विश्राम करो। 2. सब कुछ काम करेगा। भगवान जानता है कि आपके सपने कितने बड़े हैं, वो तुम्हें असफल नहीं करेगा। 3. जब आप सोचेंगे कि आप कुछ नहीं कर सकते तो भगवान आपको ताकत देंगे, जब आप आगे बढ़ेंगे तो वह आपको खुशी देंगे। निराश महसूस करो, जब यह असंभव लगेगा तब वह रास्ता बना देगा। 4. उपचार आपकी ओर आ रहा है, आप पहले से कहीं अधिक बेहतर और मजबूत होकर वापस आ रहे हैं। 5. महादेव जी पर ध्यान दें, तुम्हारा तूफान नहीं, यदि आप विश्वास करते हैं तो हर हर महादेव जी टाइप करें। आपके सपनों को हासिल करने के लिए जो कुछ भी आपको चाहिए वो स्रोत आपको प्रदान करेगा। पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ें कि आपके लिए एक मास्टर प्लान है। कुछ भी सहयोग से नहीं होता है। जब आप महादेव जी के सामने घोषणा करते हैं कि आप क्या चाहते हैं, तो अदृश्य ताकतें इसे पूरा करना शुरू कर देती हैं। महादेव जी के प्रति बड़े दृष्टिकोण व्यक्त करना सुनिश्चित करें। यदि आप छोटे सपने देखते हैं तो महादेव जी छोटी चीजें प्रदान करेगा। आप अपने भाग्य के स्वामी स्वयं हैं। कम यात्रा वाला रास्ता चुनें। आपका समय आ रहा है, धैर्य रखें और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें। विधाता सब देख रहा है, आपकी सारी मेहनत और समर्पण को मान्यता दी जाएगी और इसका भरपूर प्रतिफल दिया जाएगा। यदि आप इस पर विश्वास करते हैं तो हाँ टाइप करें। भाग्यशाली समय 11:11। महादेव जी आज आपसे कह रहे हैं कि दर्द खत्म हो जाएगा, आंसू रुक जाएंगे, दरवाजा खुल जाएगा, एक चमत्कार निकट आ रहा है। सोमवार के लिए खुद को तैयार करें। आप इतने भ्रमित होंगे कि सब कुछ आपके अनुसार क्यों हो रहा है। आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो आपका जीवन बदल देगा। इस महीने के अंत तक चमत्कार होंगे। आपके साथ कुछ अप्रत्याशित और अद्भुत घटित होने वाला है। आपके अच्छे दिन नजदीक हैं। महादेव जी आपके जीवन के लिए एक नई योजना तैयार कर रहे हैं। सब कुछ ठीक हो जाएगा। पुष्टि करने के लिए हाँ टाइप करें। आप एक नए सीजन में प्रवेश कर रहे हैं जहाँ सब कुछ आपके अनुसार होना शुरू हो जाएगा। ये समय है, आपके पास पर्याप्त पाठ थे, आपने काम किया, आपने बहुत कुछ हासिल किया, आपने तब भी विश्वास किया जब ये करना कठिन था, आपने कभी हार नहीं मानी, आपने ये सब करके दिखाया। अब प्रमुख रूप से प्राप्त करने की आपकी बारी है। आप एक शक्तिशाली सफलता का अनुभव करने वाले हैं। अपना मन उन खूबसूरत सपनों पर केंद्रित करें जिन्हें आप प्रकट करने का सपना देखते हैं।
अपने आप को पहले से ही अपने लक्ष्यों और सपनों के कब्जे में देखें। इस व्यक्ति की तरह चलें, बोलें और कार्य करें। देखिए जैसे ही आपके लिए चमत्कार सामने आने लगते हैं। भाग्यशाली संख्या 222, अगले 12 घंटों में आपके जीवन में अपार खुशियां आएंगी, जो अपने साथ प्रचुर मात्रा में प्यार, धन और स्वास्थ्य लेकर आएंगी। यदि आपको इसकी आवश्यकता है तो 222 टाइप करें। मेरे बच्चे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे कदमों का मार्गदर्शन कर रहा हूँ और तुम्हारा हाथ पकड़ रहा हूँ। डरो मत, क्योंकि मुसीबत के समय मैं तुम्हारा आश्रय और ताकत हूँ। मुझ पर भरोसा रखो और मैं अपने धन के अनुसार तुम्हारी सारी आवश्यकताएं पूरी करूँगा। मुझ में विश्राम पाओ, क्योंकि मैं सच्ची शांति का स्रोत हूँ। यदि आप अभी बिस्तर पर हैं और निराश, थके हुए और अनिश्चित महसूस कर रहे हैं कि क्या चीजें कभी बेहतर होंगी, तो भगवान आज रात आपसे कह रहे हैं, आराम करो, मैं पहले से ही काम पर हूँ। मैं आपके जीवन की हर नकारात्मक स्थिति को बदल दूंगा, आपको और आपके परिवार को आशीर्वाद दूंगा और हर उस जगह को ठीक कर दूंगा जहाँ आप चोट पहुँचा रहे हैं। भरोसा करना कभी मत छोड़ना और उम्मीद करना कभी मत छोड़ो। महादेव जी आपको वो सब कुछ देने के लिए तैयार है जिसका आपने कभी सपना देखा है, लेकिन आपको ये समझना होगा कि यह उसके समय पर है, आपके समय पर नहीं। अगर आप महादेव जी से प्यार करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। महादेव जी कह रहे हैं, जब आप अपने जीवन में क्या चल रहा है इसके बारे में कुछ भी नहीं समझते हैं, तो आपको एक या दो या कई संदेह हो सकते हैं। जब आपको अपनी पूजा का उत्तर नहीं मिलता, हमेशा याद रखें, कुछ मौसम ऐसे होते हैं जिनमें आपको विश्वास रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। ये जानने की निश्चितता पर अधिक ध्यान केंद्रित करके कि मैं कौन हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ, उन चीजों की अनिश्चितता पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के बजाय जिन्हें आप नहीं समझते हैं। इसलिए जब आपको कुछ समझ न आए या जब आपको अपनी पूजा का उत्तर न मिले तो चिंता न करें। एक दिन तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारे जीवन में ये सब इस तरह क्यों हुआ। तब तुम कहोगे कि यह सब इन आशीषों के कारण हुआ और यहाँ तक कि जो कुछ तुम्हारे जीवन में घटित हुआ उसके लिए भी तुम मुझे धन्यवाद दोगे। हमेशा याद रखें, जो कुछ भी हो रहा है वो आपको सर्वश्रेष्ठ के लिए तैयार करने की मेरी योजना का हिस्सा है। टाइप करें, महादेव जी मेरे रक्षक हैं। मैं जहाँ भी जाता हूँ वो मेरे साथ रहते हैं। महादेव जी तुमसे कह रहे हैं, मेरे प्यारे बच्चे, सब कुछ होने की वजह होती है। ज्यादा सोचो मत, बस भरोसा रखो। प्रक्रिया, आपकी अच्छी भावनाएं सही हैं। ये सप्ताह आपके पिछले दो सप्ताह से बेहतर रहने वाला है। यदि आपको विश्वास है तो हाँ टाइप करें। जो आपके लिए है वो आपके लिए इस तरह से घटित होगा जिसकी आप कभी उम्मीद नहीं कर सकते या समझा नहीं सकते। इसके रास्ते में कुछ भी नहीं आ सकता और यह आपके जीवन में कैसे प्रवेश करेगा। बस निरंतर कृतज्ञता की स्थिति में रहें और अपनी मानसिकता को अपने दृष्टिकोण पर केंद्रित करें। इसमें भरोसा रखो, ये सब आपके लिए हो रहा है। भाग्यशाली संख्या 555, भले ही आप इसे अभी तक नहीं देख पा रहे हो, आपके जीवन में सब कुछ पूरी तरह से संरेखित हो रहा है। अपने आप को ब्रह्मांड पर भरोसा करने की अनुमति दें, अपने आप को खुद पर भरोसा करने की अनुमति दें, अपने आप को शांति से रहने दें और अपने अस्तित्व का आनंद लेने की अनुमति दें। धैर्य रखो, सब ठीक है। पुष्टि करने के लिए 555 टाइप करें। महादेव जी आज आपसे कह रहे हैं, आप जिन परिवर्तनों से गुजर रहे हैं वे सबसे सकारात्मक हैं। परिवर्तन करने से अज्ञात का डर आ सकता है, लेकिन भरोसा रखें कि ये परिवर्तन आवश्यक हैं और सभी स्तरों पर आपको दीर्घकालिक लाभ पहुंचाएंगे। यदि आप जीवन के बदलावों का आनंद लेना सीख सकते हैं, आप जीवन का और भी अधिक आनंद लेंगे। महादेव जी तुमसे कह रहे हैं, आप जिस भी दर्द और पीड़ा से गुजरे हैं उसमें से एक खूबसूरत अध्याय सामने आ रहा है। जल्द ही आपके जीवन में अधिक सद्भाव, अधिक प्यार और अधिक खुशियां आने वाली हैं। उन अंतर्ज्ञानों और प्रेरणाओं को सुनें जो आपके सामने आती रहती हैं। अब आपके लिए इस पर कार्रवाई शुरू करने का सही समय है। इस बात पर भरोसा करना
और सम्मान करना कि आपके पास आपका मार्गदर्शन करने और सकारात्मक बदलाव लाने के लिए आवश्यक सभी चीजें हैं। यदि आप तैयार हैं, तो हाँ टाइप करें। महादेव जी आज आपसे कह रहे हैं, पीछे मत जाओ। दुश्मन तुमसे यही चाहता है। तुम्हारा भविष्य तुम्हारे अतीत से बड़ा होगा। तुम्हारा अतीत तुम्हारे भविष्य की तैयारी मात्र था। मैं तुम्हारे साथ हूँ, आगे बढ़ते रहो, आगे चीजें आपके लिए बेहतर हैं। द सीक्रेट का सबसे बड़ा संदेश आपके लिए ये जानना है कि आप अपने जीवन के निर्माता हैं और आप अपने में विशेषज्ञ हैं। सीक्रेट का संदेश आपको इस एहसास के साथ सशक्त बनाना है कि आप कितने शानदार हैं और आपके अंदर आकर्षण के नियम के माध्यम से अपने जीवन को अपनी पसंद के अनुसार बनाने की सारी शक्ति है। यदि आप ये संदेश देख रहे हैं, तो आपके जीवन में जो आने वाला है वो आ जाएगा। देर सबेर सब कुछ ठीक हो जाएगा और यह सबसे शानदार तरीकों से काम करेगा जिसे आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। अपनी चिंताओं और अत्यधिक सोचने को छोड़ दें, अनंत सकारात्मक संभावनाओं के प्रति समर्पण करें। भाग्यशाली संख्या 1111। महादेव जी आपको एक ऐसे व्यक्ति का आशीर्वाद देगा जो आपको वो सब कुछ देगा जिसके लिए आपने कभी पूजा की है और दूसरे लोगों के लिए रोया है, और यह सुंदर होगा यदि आपको विश्वास है तो 1111 टाइप करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। दैनिक महादेव जी संदेशों के लिए हमारे चैनल गॉड इट्स को सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी दबाएं। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज न करें।